हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऐसी खास जानकारी लेकर आए हैं जिसे जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा के पाठकों को जानना बेहद ज़रूरी है। IRDA का एग्ज़ाम देने के लिए IC38 का बुक पढ़ते समय ऐसे बहुत से कठिन शॉर्ट फॉर्म के शब्द आते हैं जिनका अर्थ और व्याख्या न जानने पर अनावश्यक तनाव होता है और समय की भी बर्बादी होती है। अगर आप IRDA की परीक्षा एक बार में पास करना चाहते हैं और बीमा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर एवं मोटिवेशनल स्पीकर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वो कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है। तो पहला शब्द है HLV। HLV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हिंदी में जिसका अर्थ है मानव जीवन मूल्य। यह एक सिद्धांत है जिससे पता चलता है कि मनुष्य के जीवन का क्या आर्थिक मूल्य है। इस सिद्धांत को महान अर्थशास्त्री प्रोफेसर सोलोमन ह्यूबनर ने प्रतिपादित किया था, जिनको शॉर्ट फॉर्म में प्रोफेसर ह्यूबनर भी कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है TPA। TPA का फुल फॉर्म होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, यानी तृतीय पक्ष व्यवस्थापक। यह बीमा कंपनी और बीमा धारक को चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट शब्द है CPT कोड। CPT कोड का फुल फॉर्म है करेंट प्रोसेडुरल टर्मिनोलॉजी कोड। इसका मतलब है कि किसी भी बीमारी का किसी हॉस्पिटल में अगर इलाज हुआ है तो वह किस प्रक्रिया से होकर गुजरा है, कौन सा इलाज हुआ है और कितना खर्च लगना चाहिए, यह कोड इस बात की जानकारी देता है। नेक्स्ट शब्द है MWP पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म है मैरिज ओमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड पॉलिसी, जिसको हिंदी में विवाहित महिला अधिनियम के तहत कानूनी रूप से रजिस्टर्ड पॉलिसी कहा जाता है। इस पॉलिसी में ट्रस्टी ही नामनी होता है। अगला शब्द है CIR। CIR का फुल फॉर्म है क्रिटिकल इलनेस राइडर, यानी जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हम राइडर ऐड कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर को हिंदी में गंभीर बीमारी आरोहक कहा जाता है, जिसको हम किसी पॉलिसी के साथ ऐड करके उसके लाभ को ले सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का प्रभार लगाया जाता है। अगला शब्द है TR। TR का फुल फॉर्म है टर्म राइडर। टर्म राइडर का मतलब होता है कि हम कोई भी पॉलिसी जब लेते हैं तो उस पॉलिसी में कुछ अतिरिक्त प्रीमियम देकर कुछ अतिरिक्त बीमा धन ऐड कर लेते हैं, उसको अवधि राइडर या टर्म राइडर के नाम से जाना जाता है। अगला शब्द है IGMS। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा ग्राहक के विवादों का निपटारा किया जाता है। यदि बीमा संबंधित शिकायत उत्पन्न होती है तो ग्राहक IGMS सिस्टम के तहत बीमा लोकपाल और उपभोक्ता फोरम में बीमा कंपनी की शिकायत कर सकता है। अगला शब्द है IRDA। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। कहीं कहीं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के नाम से भी बोला जाता है। इस संस्था का काम बीमा कंपनियों के लिए नियामक तय करना और उनके लिए नियम एवं शर्तों का निर्धारण करना होता है। अगला शब्द है PPN।
जिसका फुल फॉर्म होता है प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क। इसका मतलब होता है जब हम स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो स्वास्थ्य बीमा कंपनियां अपना एक नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट देती हैं कि आप इन इन हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, और जो लिस्ट मिलता है वही प्रेफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। यानी आप दूसरे किसी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो आपको अपना पैसा लगाना होगा, बाद में भले बीमा कंपनी आपको प्रतिपूर्ति कर दे। अगला शब्द है टीपी। टीपी का फुल फॉर्म होता है टर्बुलर प्राइस। टर्बुलर प्राइस का मतलब कि जब बीमा कंपनियां किसी बीमा को लॉन्च करती हैं, नई पॉलिसी को लॉन्च करती हैं, तो एक बेसिक प्रीमियम तय करती है जो 1000 बीमा धन पे होता है, और उसी के आधार से बीमा धन और देय मोड के छूट को जोड़कर मूल प्रीमियम या वास्तविक प्रीमियम तय किया जाता है। अगला शब्द है IRR। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यानी जब हम किसी ग्राहक को पॉलिसी बेचने जाएंगे तो वह बात बात में पूछ लेगा कि इस पॉलिसी में रेट ऑफ रिटर्न क्या है, यानी कि मैच्योरिटी पर हमको किस रेट में किस ब्याज दर से पैसा मिलेगा, उसी को IRR बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक ब्याज दर। अगला शब्द है KYC। KYC बैंक और इंश्योरेंस के सेक्टर में इतना प्रचलित शब्द है कि इसको सब कोई जानता है, फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता दूं, हो सकता है यह आपके काम आए। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानें। KYC में एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, फोटो हस्ताक्षर युक्त इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है ULIP यानी यूलिप। शॉर्ट फॉर्म में हमेशा यूलिप ही बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जिसको हिंदी में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ही कहा जाता है। यह शेयर मार्केट की गैर परंपरागत योजना है। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कराने पर पॉलिसी धारक को यूनिट अलाट होता है और मैच्योरिटी या क्लेम के समय यूनिट मूल्यों का मार्केट वैल्यू मिलता है, जिसको NAV कहते हैं। NAV का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। अगला शब्द है PLI। PLI का फुल फॉर्म होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, हिंदी में डाक जीवन बीमा कहते हैं। डाक जीवन बीमा भारत सरकार के अंतर्गत होता है, इसको IRDA नहीं रेगुलेट करता है। अगला शब्द है LIC। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला शब्द है GIC। इसका फुल फॉर्म है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं सामान्य जीवन बीमा या साधारण जीवन बीमा। साधारण जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस नहीं करती है। GIC कंपनियां स्वास्थ्य बीमा भी करती हैं। अगला शब्द है MPL, जिसका फुल फॉर्म है मैक्सिमम प्रोस्पेक्टेड लॉस, यानी अधिकतम संभावित नुकसान। बीमा कंपनियां जब मार्केट की सर्वे करती हैं और कोई भी पॉलिसी लॉन्च करती हैं तो उस समय अपना लॉस भी संभावित रूप से देखती हैं, जिसको MPL कहते हैं। अगला शब्द है TAC, यानी फुल फॉर्म है टैक्स एडवाइजर कमेटी, जिसको हिंदी में कहते हैं कर सलाहकार समिति। अगला शब्द है IIII यानी III, जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय बीमा संस्थान, जिसके तहत हम IRDA का परीक्षा देने जा रहे हैं। यह संस्था परीक्षा और एजुकेशन संबंधित कार्यभार देखती है। अगला शब्द है MRI, जिसका फुल फॉर्म है मॉर्टगेजेस रिडेम्पशन इंश्योरेंस, हिंदी में कहते हैं बंधक मोचन बीमा। शॉर्ट फॉर्म में इसको अक्सर MRI पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगला शब्द है NB। NB का फुल फॉर्म है न्यू बिजनेस या न्यू बीमा।
हम लोग एजेंट बनने के बाद इस शब्द का रोज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में इसको नव व्यवसाय के नाम से या नए बीमा के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है FAB, जिसका फुल फॉर्म है फाइनल एडिशनल बोनस। हिंदी में कहते हैं अंतिम अतिरिक्त लाभ। जब बीमा कंपनियां मैच्योरिटी देती हैं, उस समय मैच्योरिटी के समय तक अगर पॉलिसी धारक बीमा को चलाए रहता है तो उसको कुछ अतिरिक्त लाभांश दिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको FAB के नाम से बोला जाता है। अगला शब्द है DC, इसका फुल फॉर्म है डेथ क्लेम। हिंदी में कहते हैं मृत्यु दावा। जब बीमा धारक पॉलिसी अवधि के दौरान मैच्योरिटी से पहले डेथ कर जाता है और नामनी बीमा के लाभांश को लेने के लिए जब आवेदन करते हैं, तब इसको मृत्यु दावा कहते हैं। इसके भुगतान को मृत्यु दावा भुगतान कहते हैं। अगला शब्द है AB और DAB। AB DAB दोनों लगभग एक ही शब्द हैं। AB का फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंटल बेनिफिट, DAB का फुल फॉर्म होता है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट। यानी कि कोई पॉलिसी धारक बीमा कराते समय DAB राइडर का चुनाव किया है तो उसके मृत्यु के उपरांत उसके नामनी को बीमा धन का 2 गुना पैसा दिया जाएगा। अगला शब्द है DB। DB का फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी बेनिफिट। यानी बीमा धारक अस्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसको यह लाभ मिलता है। इसको कभी कभी हम लोग PDB के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। अगला शब्द है ACR। जब हम एजेंट बन जाएंगे और फार्म भरेंगे तब बीमा के प्रस्ताव पत्र के साथ साथ हमको अपना प्रतिवेदन या कॉन्फिडेंटियल रिपोर्ट लगाना पड़ेगा। ACR का फुल फॉर्म होता है एजेंट कॉन्फिडेंटियल रिपोर्ट। अगला शब्द है SA, जिसका फुल फॉर्म होता है सम एश्योर्ड। जब हम बीमा करने जाते हैं तो बीमा धन तय करते हैं, यही बीमा धन SA या हिंदी में बीमा धन या बीमा राशि के नाम से जाना जाता है। अगला शब्द है MHR। MHR का फुल फॉर्म होता है मोरल हेजार्ट रिपोर्ट, यानी नैतिक जोखिम प्रतिवेदन। नए बीमा के प्रस्ताव के साथ एजेंट DO CLIA या मार्केटिंग पर्सन के द्वारा लगाया जाता है, जिस बीमा में ज़्यादा जोखिम होने की संभावना होती है। अगला शब्द है BOC। BOC का फुल फॉर्म होता है ब्रांच ऑफिस कलेक्शन। इसका मतलब होता है कि जब हम बीमा का प्रस्ताव देते हैं और सेम डेट में पॉलिसी अलाट नहीं हो पाती है तो हम उस प्रस्तावक के नाम से पॉलिसी का पैसा शाखा में जमा कर देते हैं, उसको BOC कहते हैं। पैसा जमा करने के बाद जो रसीद प्राप्त होती है उसको BOC की रसीद बोलते हैं। अगला शब्द है DOB। DOB का फुल फॉर्म होता है डेट ऑफ बर्थ, यानी जन्म तिथि। अगला शब्द है FPR। FPR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट, यानी प्रथम प्रीमियम रसीद। जब हम पॉलिसी कराते समय पहली रसीद कटाते हैं या पहली बार पैसा जमा करके जो रसीद प्राप्त करते हैं उसको FPR कहा जाता है। अगला शब्द है RPR। फर्स्ट प्रीमियम रसीद के बाद जो प्रीमियम जमा होता है, और इसका फुल फॉर्म है रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। अगला शब्द है LA। LA का फुल फॉर्म है लाइफ एश्योर्ड, यानी जब हम बीमा का प्रस्ताव पत्र भरते हैं तो जिसके नाम से बीमा होना होता है वह LA या लाइफ एश्योर्ड कहलाता है। और अगर बीमित व्यक्ति या लाइफ एश्योर्ड नाबालिग है तो हमें एक प्रस्तावक की ज़रूरत पड़ती है जो बालिग होना चाहिए, और वो माता भी हो सकता है पिता भी हो सकता है, ऐसे लोग को प्रपोजर कहते हैं। अगला शब्द है OR। OR का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी रेट। जब हम बीमा का प्रस्ताव प्रपत्र
कार्यालय में जमा करते हैं या देते हैं, तो उस समय अंडरराइटर या बीमांकनकर्ता उस पर स्वीकृति देता है और उस पर OR लिखता है। इसका मतलब कि सामान्य दर से बीमा का स्वीकृति किया गया है। DOC का फुल फॉर्म होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि जब फर्स्ट प्रीमियम रसीद मिलती है उस पर हमारा DOC तय होता है कि बीमा किस डेट से जारी हुआ है। यानी हम आज की डेट में बीमा करेंगे लेकिन DOC उसकी 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना दो महीना पीछे भी हो सकता है। अगला शब्द है PWB। PWB का फुल फॉर्म होता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रीमियम परित्याग हित लाभ। अगर हम बच्चों या नाबालिग का बीमा करते हैं तो प्रस्तावक व्यक्ति या पिता के न रहने पर प्रीमियम का परित्याग हो जाता है, यानी प्रीमियम न देने की सुविधा मिलती है, उसको PWB कहते हैं। यह एक प्रकार का राइडर है, इसके बदले में बीमा धारक को कुछ अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। अगला शब्द है NBD, जिसका फुल फॉर्म है नियरेस्ट बर्थडे, यानी निकटतम जन्मदिन। जब हम बीमा का प्रस्ताव प्रपत्र भरते हैं उस समय जन्मतिथि से देखा जाता है कि नज़दीकी जन्मदिन कौन सा है और उतना उम्र लगभग माना जाता है। अगला शब्द है LBD। LBD का फुल फॉर्म होता है लास्ट बर्थडे, यानी किसी किसी पॉलिसी में अधिकतम उम्र की सीमा 55 साल तय की हुई होती है, तो वो लास्ट बर्थडे के हिसाब से जोड़ा जाता है। इसको हिंदी में आखिरी मनाया हुआ जन्मदिन या आखिरी बीता हुआ जन्मदिन भी कहते हैं। अगला शब्द है DLP, यानी डेट ऑफ लास्ट प्रीमियम, जिसको हम पॉलिसी लेते समय देखते हैं कि हमको किस साल तक, किस महीने तक आखिरी में कौन सा किस्त जमा करना है, यानी इस पॉलिसी में सबसे अंत में कौन सा किस्त जमा होगा। अगला शब्द है FUP। बीमा के रसीदों पर अक्सर FUP या नेक्स्ट ड्यू लिखा रहता है। FUP का फुल फॉर्म है फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, यानी पहला न जमा होने वाला प्रीमियम अथवा प्रीमियम देय की तिथि। अगला शब्द है PS। PS का फुल फॉर्म होता है पॉलिसी सर्विस। जब हम नया बीमा करते हैं उसके बाद हमें बीमा की कुछ न कुछ सर्विसिंग करनी होती है, उस पर लोन दिलवाना होता है, उस पर नामनी चेंज कराना होता है, तो वह PS डिपार्टमेंट का काम होता है और इस काम को PS यानी पॉलिसी सर्विस बोलते हैं। अगला शब्द है CRM। CRM का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशन मैनेजर, हिंदी में कहते हैं ग्राहक से सीधा संबंध रखने वाली व्यवस्था। जो बीमा कार्यालय में एक केबिन बना होता है उसके तहत हेल्पलाइन या कस्टमर केयर नंबर भी जारी होता है और ग्राहक को सुविधा दी जाती है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे और भी वीडियो हैं जिसको देखकर आप IC38 की परीक्षा, IRDA की परीक्षा एक बार में पास हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कुछ अगर शब्द छूट जाते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। और साथ ही साथ एक आग्रह आपसे है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं मोटिवेशनल और बीमा संबंधित बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने साथियों में शेयर करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मैनी थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट।